नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन कैटे 6 में। ग्रुप डी का 11 अक्टूबर का सभी शिफ्टों का यानी कि सभी पालियों का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, जीके जीएस से जितने भी प्रश्न मिलते हैं हमें, वो आप तक शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये तीसरे शिफ्ट का भी प्रश्न आ चुका है और पहले दूसरे शिफ्ट मिलाकर ये तीनों शिफ्ट यानी कि ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन एक जगह लेकर आए हैं और लास्ट में एनालाइज किया जाएगा कि क्या ये प्रश्न आज के बहुत टफ थे या फिर ये प्रश्न बहुत ही ईजी थे या फिर मॉडरेट लेवल के थे। तो दोस्तों, जिनका भी अभी एग्ज़ाम है आगे एसएससी जीडी या फिर एसएससी आरपीएफ का, उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि ये सारे प्रश्न देखें क्योंकि उनको एग्ज़ाम में सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है उस एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको लेकर चलेंगे उन सभी प्रश्नों पे। उससे पहले जिस कैंडिडेट ने देखिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो प्लीज़ एजुकेशन की 86 पर जाएं और सब्सक्राइब के इस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा ले ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वो सारे प्रश्न जो कि आज तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको उन सभी प्रश्नों पर। चलिए, तो ये रहे वो कुछ प्रश्न जो कि आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों, यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में रिपीट किए हुए हैं। मैं आपको बताता जाऊँगा वो कौन कौन से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड हैं। तो पहला प्रश्न था कि कालीन की सफाई के लिए यदि किसी छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लगता है। तो देखो, ये गति का नियम होता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा गति का नियम भी पढ़ना है आप सभी को फिजिक्स में, भौतिकी विज्ञान में, जिसमें का एक जड़त्व का नियम है, ठीक है। और उस नियम को पढ़िएगा तो वहाँ पे पता चलेगा आपको कि कालीन की सफाई के लिए अगर छड़ी से उसको पीटते हैं तो इसमें कौन सा नियम लगता है। तो ये गति का नियम लगता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न था हमारा कि किस प्रकार की अभिक्रिया से अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। तो ये होता है विखंडन। जी हाँ दोस्तों, एक होता है फीजन, एक होता है फ्यूज़न। तो फ्यूज़न में होता है कि अभी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक विकिरण यानी कि रेज निकलती हैं विखंडन में, ओके। तो ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। फीजन में भी रेज निकलती हैं पर उतना वो खतरनाक नहीं होता, टूटता है एक्चुअली, क्या उसमें मॉलिक्यूल का टूटना होता है। पर इसमें विखंडन यानी कि यहाँ पर बहुत ही ब्लास्टिंग कर सकते हैं कि बहुत तेज़ी से विखंडन होता है जिसके चलते इसमें से जो निकलने वाली विकिरण है वो पैदा होती हैं जिसके चलते बहुत ही हानि होती है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करती है। तो ये है एपिथोलियम, ओके। एपिथोलियम ऊतक जो होते हैं ये क्या होता है कि शरीर के सुरक्षा कवच का काम करता है। और ये कहाँ होता है एक्चुअली, तो ये होता है हमारे स्किन पे। समुद्र में पल्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो ये रहता है 1/10, ओके। इसका वेट के बारे में बात किया है यहाँ पर। कुछ प्रश्न ऐसे थे कि समुद्र में पल्लवन यानी कि जब भी किसी समुद्र में बर्फ़ को देखोगे तैरते हुए ना, तो वो पल्लवन के चलते होता है उसके, ठीक है। तो जो आइसबर्ग होता है वो उसकी जो सतह होती है, जो उसका एरिया होता है उस आइसबर्ग का, वो कितना होता है, तो 1/10 होता है जल के, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो ये देखो आंसर है यहाँ पे एंजाइम होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा लेबल हाई रखा गया है आज के थर्ड शिफ्ट में और मॉडरेट कह सकते हैं, हाई नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी, ओके। न्यूक्लियस की खोज किसने की है। तो ये किए हैं साइंटिस्ट ब्राउन ने। वर्षा की बूंदों की आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो पृष्ठ के तनाव के चलते होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। तो ये फेरस सल्फेट होता है दोस्तों, ठीक है। हरा थोथा जिसको कहते हैं, हरा कशिश कहते हैं उसको, हम लोग कहते हैं इस रासायनिक भाषा में फेरस सल्फेट, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो ये है जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत से सबसे ज़्यादा यहाँ पे
विद्युत की पैदावार की जाती है। विमानों में आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये प्रश्न तरंगों की उपयोग की जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक कहीं नहीं मिलेंगे आपको सारे प्रश्न, और ये सभी प्रश्न आप लोग नोट कीजिएगा, अन्यथा वैसे ये सारे प्रश्न आपको मैं PDF बना के लास्ट में जब एक ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होगा या फिर SSC GD या RPF का एग्जाम शुरू होने वाला होगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे नोट्स का एक PDF बना के मैं आपको डाल दूंगा, आप सभी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप, हमारे Education की 86 सर्च कीजिएगा जाकर, ठीक है, एजुकेशन स्पेस में दीजिएगा 86, ठीक है, स्पेस की 86, ओके, एजुकेशन की 86, तो वहाँ पर जाके सर्च कीजिएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को भी वहाँ पे भी टेलीग्राम पे, ओके। चलिए, फेरिटीमा पोरुस्थुमा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये केचुआ को कहते हैं पेरिटीमा, ओके, पेरिटीमा पोरुस्थुमा, ओके। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, एक प्रश्न पूछा गया है जो कि आज सेकंड शिफ्ट में भी ये प्रश्न आया था कि लेंस का फॉर्मूला, ठीक है, एक्चुअली माफ़ कीजिएगा लेंस नहीं, वहाँ पे पूछा गया था दर्पण का फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है, तो वहाँ पर होता है F=1/V+1/U, पर यहाँ पर जब लेंस का होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो लेंस का फॉर्मूला पूछा गया है, और एक क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रुप 17 के एलिमेंट का नाम क्या है, तो उसमें ऑप्शन देखिए वहाँ पे कुछ था, हमें ध्यान नहीं है, वहाँ से जो लड़के मुझे बताया है कि वो फ्लोरीन और क्लोरीन में कुछ ऐसा ऑप्शन था, तो ये दोनों ही जो है फ्लोरीन हो सकता है या तो क्लोरीन हो सकता है, कोई एक होगा ऑप्शन जो कि 17 का एलिमेंट होगा, ठीक है, चार ऑप्शन थे उसमें। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो ये ट्रिप्सिन, ये देखो कल भी पूछा गया था प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो ट्रिप्सिन में होता है। 18वां ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं, तो ये होते हैं 7, ओके। और विटामिन ए के बारे में फिर पूछा गया है, तो देखो दोस्तों मुझे तो आंसर पता था कि गाजर होता है, पर वहाँ पर ऑप्शन अगर आपका आम या पपाया होगा, पपीता होगा, तो उनमें से कोई एक भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए इसमें भी पाया जाता है, विटामिन ए वाले फल जो पाए जाते हैं ऐसा पूछा गया है, ठीक है। एल्कलीन का फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये होता है CnH2n, और लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो CaCO3 होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, फिर रिपीटेड प्रश्न है, थर्ड शिफ्ट में बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड किए गए हैं। और अम्रराज एक्वेरिया के कौन सा केमिकल यूज़ होता है, तो देखो ये प्रश्न भी मैं बता चुका हूँ आपको, 1HNO3 और 3HCl, ठीक है, तो ये मिलाकर आपका अम्लराज एक्वारिजिया जो बनता है उसका केमिकल यूज़ होता है, ओके। चलिए, ये आज के साइंस के थर्ड शिफ्ट के कुछ प्रश्न ऐसे थे आए हुए, और ये जो प्रश्न है देखिए मैं कुछ लेकर आया हूँ जो कि आज के शिफ्ट में भी पहले और दूसरे शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन सभी को भी एक नज़र देख लीजिए। राजकुमार हिरानी जो कि संजू मूवी के डायरेक्टर थे, ये संजू मूवी से पूछा गया है। एक्सिस बैंक के CEO का नाम पूछा गया है अमिताभ चौधरी, देखिए एक्सिस बैंक के CEO जो अभी हैं शिखा शर्मा है एक्चुअली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा शिखा शर्मा है, पर जो इनका 1 जनवरी 2019 से ये चेंज हो जाएंगे और वो हो जाएंगे अमिताभ चौधरी, ठीक है, तो प्रभारी के रूप में अमिताभ चौधरी ने अपना पद संभाल लिया है, शिखा शर्मा अब यहाँ से रिटायर ले ली हैं CEO के पद से, ओके। सन 1928 में बनी फिल्म देवदास के निर्माता के नाम पूछा गया है, तो इनका नाम था नरेश मित्रा, ओके। कैनरा बैंक के CEO का नाम पूछा गया है दोस्तों, तो राकेश शर्मा इज़ द राइट आंसर। और ये है प्रश्न आपका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कहलाता है, तो ये होता है स्वीडन एग्रीकल्चर में इसका यूज़ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रश्न था यहाँ पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कहलाता है, तो ये होता है स्वीडन एग्रीकल्चर को कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि प्योंगयांग किसकी राजधानी है, प्योंगयांग जो है नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, मैंने सुबह ही बताया था इसके बारे में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1905 में। और युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित हैं, तो आंसर है दोस्तों क्रिकेट से, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। गिफ्ट सिटी किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक शहर है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी, तो हैं सुमित्रा महाजन जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी बिलोंग करती हैं और ये इंदौर से आती हैं। 17वें लोकसभा इलेक्शन कौन से साल होगी, तो ये होगी अप्रैल मई 2019 से। ज्ञानपीठ जो कि पुरस्कार 2016 का वो किसको दिया गया है, तो शंख घोष को दिया गया है। और जो प्रश्न है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये हैं राजीव, ओके।
चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न जो है, 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो विराट कोहली को दिया गया जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं अभी। और महावीर स्वामी कितने नंबर पे आखिरी तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो ये है ESL नरसिम्हा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सिक्स पीरियड सेवन पीरियड जो होते हैं, छठा और सातवां पीरियड होता है, वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसमें, तो ये होता है इसमें एक्टिनोइड्स के जो एलिमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनाइड्स के बारे में पूछा है प्रश्न की, में तथ्यों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये दोस्तों होती है 58 से 71 तक, ओके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और 286 कौन सा एलिमेंट होता है, तो ये होता है सल्फर का, क्लोरीन का मास मॉलिकुलर नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर है 35.5। और थैलोफाइटा में से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था जो कि सेकेंड शिफ्ट का था या आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट का, और फ्यूज तार किस चीज़ को रोकता है, तो ये विद्युत धारा को पास होने से रोकता है, फ्यूज़ का यूज़ आप लोग घर में भी करते होंगे। कार्बन के गोलाकार रूप बहरूप कौन सा होता है, तो ये होता है फ्यूलर, ओके। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो दोस्तों मैंने बताया कि उसका होता है नाम त्वचा, यानी कि स्किन होती है, ठीक है। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे, देखिए ये सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है दर्पण का सूत्र, और थर्ड शिफ्ट में क्या पूछा गया है, तो लेंस का, तो ध्यान दीजिएगा ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कौन कैसी बनती है, तो ये बनती है उल्टी, ठीक है, तभी हमें सीधी कोई चीज़ दिखाई देती है। यदि यौगिक का सूत्र C6H6 है तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों बेंजीन, ओके। चलिए इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या भारी पाया जाता है, भारी पाई जाती है, देखो बल्ब के बारे में क्वेश्चन बहुत पहले से पूछा जा रहा है, इसके फिलामेंट के बारे में पूछा गया था कि कौन से तत्व से बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का, और इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो ये होती है दोस्तों आर्गन या नाइट्रोजन, ओके। त्वरण की इकाई क्या होती है, तो ये होती है मीटर पर सेकेंड। और चांदी का जो यानी कि सिल्वर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 107.87, नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है, रिपीटेड हो सकता है एग्जाम अगले शिफ्ट में। पूरे आवर्त सारणी में गैसों के लिए कौन सा समूह को सम्मोहित किया जाता है, देखो थर्ड शिफ्ट का पेपर बहुत ही थोड़ा सा मॉडरेट रहा, पर सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट का देखा जाए तो ये बहुत ही लेवल इजी था, ये क्वेश्चन जो बार बार बन रहे हैं वहीं से प्रश्न उठकर आ रहे हैं जनरली, ठीक है। तो जेनॉन, नियॉन और आर्गन इज द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिकुलर मास क्या होता है, तो ये 30 होता है, आप सभी को पता है। और HCl के चेयरमैन का नाम पूछा था, तो शिव नादर, मैंने बताया था आपको शिव नादर जो कि ये खुद HCl के को फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं, CEO भी हैं। दंगल मूवी के ऊपर एक फिल्म बनी है, दंगल मूवी, ठीक है, जो कि हरियाणा के एक पहलवान के ऊपर बनी हुई मूवी है, उनकी बेटियों के ऊपर, तो इसकी मुख्य भूमिका में है आमिर खान, ये आंसर था। और 2017 के फिल्म फेयर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो देखो ये प्रश्न पूछा गया है, या फिर एक्टर अभिनेता या फिर जो भी आप देख लेना एक बार, 2017 और 18 की फिल्म फेयर के बारे में पढ़ के जाना, वहाँ से बहुत ही सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, ये आज पूछा गया है दूसरे शिफ्ट में, तो ये हुआ दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में। और चौपार मेला किस राज्य का आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों पंजाब, मैंने बताया था आपको सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न आए थे। और 2017 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, देखिए शाहिद कपूर को, ये अगर एक्टर की बात करें तो, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये हैं CK रंजन है, आई थिंक उनका नाम पूरा ध्यान नहीं है पर रंजन है उनका नाम, ध्यान रखिएगा। गंगोत्री स्वच्छ भारत मिशन कहाँ शुरू हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड से ही गंगोत्री का उद्गम हुआ है, ओके। और एटॉमी जनरल के बारे में कुछ पूछा गया था प्रश्न को, तो ये है KK वेणुगोपालन, ओके। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इस पूरे शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए मैंने आप तक शेयर किया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। और एजुकेशन की एटेस्टिक्स में आप सभी का आना बहुत ही स्वागत है, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, शेयर एटलीस्ट कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक ये क्वेश्चन सारे जा सकें। और जिनका भी एग्ज़ाम है अगले शिफ्ट में, यानी कि कल या परसों, देखिए कल और परसों के बारे में एक डेट दे दूं कि 11
और 12 आज और कल दो दिन जितने भी उड़ीसा वाले कैंडिडेट के एग्ज़ाम थे वो स्थगित कर दिए गए हैं और उन सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा उनके मोबाइल नंबर पे। तो अपना मोबाइल नंबर चालू रखिएगा, हो सकता है कि आपको डेट्स क्लियर किया जाए, क्योंकि उड़ीसा में आया हुआ है तूफ़ान, ठीक है, तो तूफ़ान के चलते ही वहाँ पर सारे एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं आज के और कल के। तो आज के साथ ये विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।